प्रयागराज जनपद के सराय ममरीज थाना क्षेत्र में सोमवार की सुबह टैंकर की चपेट में आने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने टैंकर चालक को पकड़ लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताते हुए जिला प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। पुलिस के मुताबिक सराय ममरीज थाना क्षेत्र के सोरो पेट्रोल पंप के पास सुबह एक बेकाबू टैंकर ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। हादसे में विकास, देवकी की पत्नी सुमरी और नमकीन की पत्नी जनता, बेटा दीवाना और 8 माह की बच्ची लक्ष्मी की मौत हो गई। घटना के बाद भाग रहे टैंकर चालक को भीड़ ने पकड़ लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने टैंकर और चालक को हिरासत में लेते हुए शवों को पोस्टमार्टम भेजकर घटना की जानकारी परिवार के लोगों दी है। पुलिस का कहना है कि यह सभी जौनपुर जनपद के थाना मीरगंज क्षेत्र के चौकी खुर्द इलाके के रहने वाले थे। किसी रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के बाद वापस अपने घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया है। ट्रक चालक को पुलिस हिरासत में ले लिया है। आज दिनांक 24 जून 2024 को थाना सराय ममरेज से सूचना प्राप्त हुई कि एक टैंकर का एक मोटरसाइकिल के साथ में एक्सीडेंट हुआ है। मोटरसाइकिल पे सवार एक पुरुष, 2 महिला और 2 बच्चे घटनास्थल पर एक्सपायर हो गए हैं। मृतकों को पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भिजवाया गया है। परिजनों से संपर्क कर तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। घटनास्थल से टैंकर बरामद कर लिया गया है और जो टैंकर चालक था उसको गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद प्रयागराज में हुए सड़क में मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।